हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैं इनशॉट ऐप से अपना वीडियो एडिट करती हूँ। फर्स्ट प्ले स्टोर से इनशॉट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लूँगी। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है, वीडियो, फोटो एंड कोलाज का। तो मैं फर्स्ट वीडियो पे क्लिक कर रही हूँ। न्यू वीडियो के ऑप्शन में क्लिक करने से हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। देन हम अपना वीडियो को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे प्री कट का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके हम अपनी वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। कॉर्नर में एक प्लस साइन है, वहाँ पे क्लिक करके हम और भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। यू कैन सी कि वीडियो फुल साइज में नहीं है, तो वीडियो को फुल साइज करने के लिए उसको हम कैनवस पे क्लिक करेंगे एंड इसको फुल कर देंगे। एंड रेशियो हमेशा 16:9 ही रखना चाहिए अगर आप यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना रहे हो तो। रोटेट की ऑप्शन भी है, आप वहाँ से अपने वीडियो को रोटेट भी कर सकते हो। जैसे कि मेरा वीडियो यहाँ पे ज़्यादा जूम इन हो गया है, तो मैं कैनवस पे क्लिक करके इसको जूम आउट कर दूँगी। म्यूज़िक में आपको तीन ऑप्शन मिलता है, ट्रैक, इफेक्ट एंड रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड से आप अपना रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हो एंड ट्रैक में आपको बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक मिल जाएगा। ट्रैक में क्लिक करने से आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है। माय म्यूज़िक से आप अपनी गैलरी में जो म्यूज़िक है उनको इनपुट कर सकते हो एंड फीचर्स में आपको बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक मिल जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है स्टिकर। आपको स्टिकर में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप किसी भी स्टिकर को अपनी वीडियो में इनपुट कर सकते हो एंड उसको इफेक्ट भी दे सकते हो। स्टिकर को एनिमेशन देने के लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको एनिमेशन का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। स्टिकर में साउंड इफेक्ट देने के लिए हम फर्स्ट म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, देन इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। मेरा फेवरेट है बबल वाला साउंड। स्टिकर में आपको GIF का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन भी है, आप अपने वीडियो में कुछ टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही लिख रही हूँ, पेंटिंग प्लेनेट। कलर चेंजिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड एनिमेशन का ऑप्शन भी है। फिल्टर में मैं हमेशा ब्राइट वाला ऑप्शन ही चूज़ करती हूँ एंड एडजस्ट में जाके आप ब्राइटनेस एंड सेचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। स्प्लिट से मैं अपने वीडियो का स्प्लिट को बढ़ा देती हूँ एंड यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन भी है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ वीडियो को। ये व्हाइट वाला पार्ट मुझे क्रॉप करना है। वॉल्यूम में क्लिक करके आप वीडियो का ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर सकते हो एंड उसके बदले आप अपना रिकॉर्डिंग वॉइस भी डाल सकते हो। वीडियो तो एडिट हो गया, पर यहाँ पे आपको इनशॉट का वाटरमार्क दिख रहा है, इसको रिमूव करना बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको ये वाटरमार्क पे क्लिक करना पड़ेगा, देन फ्री रिमूव के ऑप्शन में क्लिक कीजिए तो आपको एक ऐड देखने को मिलेगा। आपको पूरा ऐड देखना है, देन ये वाटरमार्क खुद से ही रिमूव हो जाएगा। सेव करने के लिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए तो आपको HD क्वालिटी का वीडियो मिल जाएगा। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।